आई थिंक 1993 की बात है, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था एक मुंबई की मिल में, और हुआ यूं कि एक एक्शन सीक्वेंस था और नाइट शूटिंग थी, रात को कुछ 3 बज रहे थे और एक कार ब्लास्ट का शॉट था। तो मैंने अपने एक्शन डायरेक्टर से कहा कि यार एक टॉप शॉट कैसा लगेगा, तो उसने कहा अच्छा लगेगा। तो वो लोग सब नीचे कैमरा सेट कर रहे थे और मैं एक कैमरा लेके टॉप शॉट के लिए एक मिल का एक पुराना सा खंडर सा एक बिल्डिंग था उसमें ऊपर गया। तो मैं और कैमरा, दो कैमरा असिस्टेंट और एक दो कैमरा अटेंडेंट, कुछ 5 लोग थे हम। तो हम लोग ये मिल के ऊपर 2 माले पे गए टॉप शॉट लगाने के लिए। अब मिल का वो जो कमरा था ना, वो एक खिड़की तो खैर उसको देख रही थी उस गली को जहाँ पे हम शूटिंग कर रहे थे, जहाँ कैमरा लगाना था, लेकिन दूसरी ओर ये जो कमरा था, वो कमरा नहीं मतलब मैं तो कहूँगा हॉल था, कोई बैंक्वेट हॉल से भी बड़ा, कुछ 200 फीट लंबा था वाइट पिलर वाला और पूरा अंधेरे में था, रात का वक्त था, खंडर से मिल। अब मैं वेट कर रहा हूँ और आप मानो या ना मानो, अचानक उस अंधेरे में से एक ऐसी दर्दनाक चीख सुनाई दी हमको कि हम लोग जो भी 6 लोग वहाँ ऊपर 2 माले पे थे, हम लोग मुड़े और हम लोग उस अंधेरे कमरे को देखने लगे। और चीख इतनी दर्दनाक थी कि मानो किसी का यू नो किसी का जब एक्सीडेंट होता है या किसी को मतलब बे इंतहा दर्द हो रहा हो तो कैसा लगे, ऐसी चीख। और वो चीख के बाद एक ऐसा अजीब सा एक साउंड आया, श, श, श। अब मैं नहीं जानता डरावना ज़्यादा क्या था, ये चीख या ये साउंड। तो और ये तो एक फसाना है, एक अनमोल खजाने में से एक छोटा सा मोती मेरे सुपरनैचुरल जर्नी में। हर आवाज़ के पीछे कहानी होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट। आंखें बंद करके देखो। ट्यून इन टू रेड एफएम्स ब्रांड न्यू सीरीज द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे